महाराष्ट्र के ठाणे से सटे भिमंडी में देर रात एक इमारत गिरने की घटना सामने आई है। इस हादसे में एक नवजात बच्चे समेत दो लोगों की मौत हो गई है, वहीं कई लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। ठाणे नगर निगम के आपदा प्रबंधन सेल के प्रमुख यासीन तड़वी ने कहा है कि भिमंडी शहर के धोबी तालाब इलाके में दुर्गा रोड स्थित पर 6 फ्लैट वाली एक मंजिला इमारत देर रात करीब 12:30 बजे के आसपास अचानक से गिर गई। हादसे की जानकारी मिलते ही ठाणे आपदा प्रबंधन की टीम और TDRF की टीम मौके पर पहुंच गई और भिमंडी निजामपुर नगर निगम अग्निशमन दल कर्मचारी मौके पर पहुंचे। रात भर तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान मलबे से 7 लोगों को बाहर निकाला गया। अधिकारी ने बताया कि 7 लोगों में से 8 महीने की एक बच्ची तस्लीमा मोसर मोमिन और 40 वर्षीय उज्मा आतिफ मोमिन की मौत हो गई है, जबकि 5 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में 4 महिलाएं और एक 65 साल के बुजुर्ग व्यक्ति शामिल है। उन्होंने बताया कि उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जो खतरे से बाहर है। तलाश एवं बचाव अभियान और मलबा हटाने का काम सुबह करीब 3:30 बजे पूरा हुआ। उन्होंने कहा कि यह भी पता लगाया जा रहा है कि इमारत कितनी पुरानी थी और क्या ये धोखादायक इमारतों की सूची में शामिल थी या नहीं। हम सो रहे थे, अचानक वो कबाड़ गिरा, लकड़ी वाला कबाड़ था, उसके नीचे हम लोग दब गए। आप कितने जन थे घर में? मम्मी अब्बू थे, मैं और मेरी एक बहन थी और मेरी 3 बेटी लोग थे, तीनों सो गए थे। बिल्डिंग गिरने के पहले आपको नहीं कुछ नहीं, अंधेरा था, सब सोने लगे थे, कुछ नहीं पता चला, अचानक गिरा, हम लोग दब गए। आम्हाला 12:45 साहिल हॉटेलच्या बाजूला टावरे संकुलनाच्या मागे एक 2 मजली बिल्डिंगचा स्लॅब पडलेला आहे अशी आम्हाला वर्दी आली। घटनास्थळी आम्ही 3 फायर स्टेशनच्या गाड्या घटनास्थळी रवाना करून 6 जणांना त्यातून बाहेर काढलेलं आहे। एक छोटं बाळ आणि एक 8 वर्षाची